उत्तराखंड के काजीपुर में आज स्कूल से घर वापस आ रही एक नाबालिग छात्रा का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया। अपहरण की सूचना पर काशीपुर पुलिस ने तुरंत अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी है। ये आपको बता दें कि काशीपुर थाना ITI क्षेत्र में स्थापित गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा रागनी कौर जैसे ही अपने नगर के जसपुर खुर्द इलाके में अपने घर के निकट पहुंची तो वहां पहले से ही मौजूद एक स्विफ्ट डिजायर कार में सवार कुछ अज्ञात लोगों ने जबरन छात्रा को गाड़ी में डालकर फरार हो गए। इस दौरान छात्रा के साथ स्कूल अध्यापिका मीना देवी ने अपराधियों से बच्ची को छुटाने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन बच्ची का अपहरण होने से नहीं रोक पाई। इसके बाद अध्यापिका ने तुरंत उसकी सूचना छात्रा की मां गुरविंदर कौर को दी, जिसके बाद गुरविंदर कौर द्वारा काशीपुर कोतवाली और थाना ITI को इसकी सूचना देते हुए लिखित तहरीर दी। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ और छात्रा की बरामदी के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी है। काशीपुर से क्राइम स्टोरी के लिए रफी खान की रिपोर्ट। देखिए, अभी तक जो हमने जांच की है मौके पर जाकर के, जो लेडी हैं उनके ये एक्स हस्बैंड जो हैं, अभी तक उनका रोल निकल के आ रहा है। पहले भी ये अटेम्प्ट कर चुका है, एक बार पहले भी ले जा चुका है, उसके बाद इनका पिछले 3 साल से सेपरेशन हो चुका है। अभी जो वहाँ पर मौके पे के लोग थे और जो पुलिस की जो छानबीन थी उसमें उसका प्रत्यक्ष तरीके से रोल आ रहा है। नामजद तहरीर हमें मिल गई है, हमने एक टीम रवाना कर दी है हरियाणा के लिए और बच्ची को हम ले आएंगे सुरक्षित। देखिए, इसका जो नाम आया है वो सुभाष का नाम आया है, जो उसका पहले पति रह चुका है जिससे इसका तलाक हुआ है। ये इन दोनों की बच्ची है ये। बाकी अभी जब वो मिल जाएगा हमें, उसके बाद पूछताछ की जाएगी।